हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? और चैनल पर सब फर्स्ट टाइम है तो ये क्लार्क्स की तरफ से ये शूज़ मैंने लेदर स्नीकर्स परचेज़ किए थे। अब ये मैंने कहीं बाहर से परचेज़ किए हैं तो ये जेन्युइन है या नहीं है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देख मुझे बताइए। मैंने ये 1500 रुपीज़ में परचेज़ किए हैं, यहीं लोकल कोई शॉप था, तो ये क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे हैं, लेदर में बने हुए हैं पूरे, और जो सारे मार्किंग्स वगैरह सारे जो ब्रांडिंग वगैरह मैंने तो अपने हिसाब से देख ली, क्वालिटी वाइज भी ये काफ़ी अच्छे हैं। बट ये जेन्युइन पीस है या नहीं है सीरियसली मुझे नहीं पता चल रहा, तो अगर आपको कुछ इसका जेन्युइनिटी का चेक करना या फिर, लेकिन जो मुझे मिला है ये 1500 रुपीज़ में मिला है तो मुझे इतना कुछ ऐसा लगा नहीं है सच। तो यहाँ पे इनकी जो ब्रांडिंग वगैरह ये सब कुछ इन्होंने दे रखी है, बट ओवरऑल ये बाहर से काफ़ी अच्छा है लुकिंग वाइज भी, और जो इसकी जो आउटर सोल है ये पूरा लेदर से बना हुआ है। बस मुझे इसकी ये जो लेसेस है थोड़ा कम पसंद आई, और इसके बाद में जो इसका जो सोल है वो काफ़ी अच्छा, और जो ग्रिपी सोल है जो नीचे गम सोल टाइप का इन्होंने यूज़ कर रखा है सोल, तो जो बेस है वो भी काफ़ी अच्छा है और स्लिपरी बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो ओवरऑल 1500 रुपये में शूज़ काफ़ी अच्छे हैं और मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अगर फ्यूचर में और कोई वीडियो चाहते हैं कोई दूसरे, या आप जींस पे या फिर जो नॉर्मल है लिनन ट्राउजर्स पे, उन सब पे कैरी कर सकते हैं। देखने में काफ़ी अच्छा और काफ़ी फिनिश्ड और काफ़ी प्लेन और सिंपल लग रहा है, तो जितना सिंपल होता है उतना शूज़ की लुकिंग काफ़ी अच्छी होती है। एंकल साइज ही है ये, तो उसके अलावा ऐसे कुछ प्रॉब्लम लगा नहीं मुझे शूज़ में। बाकी आप देखिए और बताइए कि इन शूज़ को कैसे क्या इनका परफॉर्मेंस रहता है, और अगर ओरिजिनल शूज़ मुझे तो ये ओरिजिनल ही लग रहे बट मुझे डाउट है, तो अगर आपको कुछ टेस्ट वगैरह इनका पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि फ्यूचर में मेरे साथ भी और बाहर के लोगों के साथ भी ऐसा कुछ नहीं हो। आज के लिए बस इतना ही।